हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और आज हम एक सीरम बनाने वाले हैं, DIY होममेड। तो उसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है नीम लीव्स, नीम के पत्ते। और सेकंड है, आप खुद ही देख सकते हैं, अनियन। तो इन दोनों को मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर इसका अब हम जूस निकालेंगे। आप देख सकते हैं जूस रेडी है। तो इसमें अब हम क्या ऐड करेंगे, तो इसमें हम कर्ड ऐड करेंगे, दही। ये होममेड दही है वो ऐड कर रहे हैं हम। और इसके बाद जो है हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर ये फोर इंग्रेडिएंट्स हो गए। और इनको भी फिर से हमें क्या करना है, मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि क्योंकि जो ऑयल है ऊपर रह जाता है, अच्छे से मिक्स नहीं होता है इसलिए। तो ये चारों का अब जो काम है हमारे हेयर पे, हमारे स्कैल्प पे, वो कमाल का होने वाला है। आप आगे अब इसके बेनिफिट्स हम देखेंगे। तो फिर अभी तक इतनी ठंडिया भी, मतलब जैसे कि रेनी सीजन चालू नहीं हुआ है, गर्मियाँ ही है। तो ये जो दही जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना, अब देख सकते हैं ये जो था मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करने के बाद, इस तरीके से हमें कॉटन का कपड़ा लेकर उसमें इस तरीके से छान लेना है। मतलब जो हमारा स्प्रे बॉटल है उसमें अच्छे से स्प्रे हो जाए, ठीक है। तो ठंडा दही हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से हमारे हेयर पे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा गर्माहट हो जाएगी, इसलिए हमने दही भी ऐड किया हुआ है कि ज़्यादा गर्माहट ना हो हमारे हेयर पे। तो ये जो हमने बनाया है मिक्सचर, इस तरीके से हमें हमारे स्कैल्प पर अच्छे से पूरी तरीके से स्प्रे कर लेना है। स्कैल्प पर होने के बाद हमें हमारे हेयर पे पूरी तरीके से स्प्रे कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कोम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब हम स्प्रे करने के बाद हमें इसे मसाज करना है, मसाज करना ज़रूरी नहीं है। ये जो फोर इन्ग्रीडियंट्स हैं अपने आप जो अपना काम है वो कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। ऐसे स्प्रे करने के बाद आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं 2 घंटे रख कर फिर वॉश किया था मैंने। और वॉश हमें एकदम कौन सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ये इजीली निकल जाता है, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है, कौन क्या काम करता है। जो फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है नीम लीव्स। तो इनके हम बेनिफिट्स देखते हैं, जैसे कि ट्रीट डैंड्रफ एंड ईची स्कैल्प, प्रमोट हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट प्रीमैच्योर ग्रेइंग एंड हाइड्रेट्स ड्राई एंड्स। अब अनियन देखते हैं कि उसके क्या बेनिफिट्स है। हेल्प्स अगेंस्ट प्रीमैच्योर ग्रेइंग, फाइट लीस इन्फेक्शन, लेंड्स अ हेल्दी शाइन, एड अ वॉल्यूम टू द हेयर, वर्क्स अगेंस्ट डैंड्रफ, प्रमोट हेल्दी हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट हेयर ब्रेकेज एंड थिनिंग, heals dry and itchy scalp, reduce hair loss and dandruff. Third है curd. Curd क्या काम करता है, act as a natural conditioner, tames frizzy hair, reduce hair fall, combat flaky scalp and make hair soft and shiny. और मस्टर ऑयल के जो बेनिफिट्स है वो है कि हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करके जो हमारे हेयर पे जो है एकदम कमाल का जो बेनिफिट्स है आप देखेंगे, अगर आप इसे यूज़ करेंगे। जैसे कि वीक में आप इसे 2 बार यूज़ करें, फिर आप रिजल्ट देखें। अगर आप इस रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके जो बाल है लंबे घने और आपकी जो चोटी है वो मोटी दिखने लगेगी, आप इसे रेगुलर यूज़ करें। तो इसी तरीके से अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आने वाले ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।